Do we have versions of Rupam Frank with us now? Absent. Our next recipient is Rishabh Thakur of 2009-2010 batch, an all-rounder, excelling in quiz, essay writing and debates. He is presently doing his graduation with economics honours from Shriram College of Commerce, Delhi. Since Rishabh could not be here today, may we request his guardian to please come up on stage and accept the award on his behalf. Thank you, ma'am and sir. Dr. Mohini Borua and Mrs. Nirakshi Borua, to please come up on stage and give away the awards. Of 2007-2008 batch, she secured 95.4% marks in AISCE exam from Commerce and secured 99% marks in Accountancy. She is presently doing her BCom Honours third year from Shriram College of Commerce, Delhi. Since Priyanka could not be here today, may we request her guardian to please come up on stage and accept the award on her behalf. Thank you, ma'am. May we call Ekta Poddar of 2007-2008 batch. She secured 95.4% marks in AISCE. She is also doing her BCom Honours third year from Shriram College of Commerce, Delhi. Since Ekta could not be here today, may we request her guardian to please come up on stage and accept the award on her behalf. Thank you, Phil. Of 2008-2009, she secured 95.5% marks in AISCE exam from Commerce Stream and is presently doing her BCom Honours second year from Shriram College of Commerce, Delhi. Since Amrita could not be here today, we request her parents to please collect the award on her behalf. In this institution. Thank you, ma'am and sir. We thank Mr. and Mrs. Binoy Krishna Chaudhary for giving away the awards. Why did you close the knob? We now present
the faculty orchestra performed by students from the 3rd to the 11th standard, conducted by Sri Rajeshwar Bordoloi. Thank you.
Agarwal and Mr. Dham Kumar Mukhaya. Set and stage decoration is by Mr. Pradeep Dey and Mr. Dilip Sarkar. से इंसान आजादी पाने के लिए जद्दोजहद करता आया है, क्योंकि बरसा बरस इंसान तानाशाहों, जमींदारों, सामंतों या फिर रूढ़ियों और अपने मन की कुंठाओं के शिकंजे में चकरा रहा है। आजादी एक ऐसा जज्बा है जिसे खून से सींचना पड़ता है,
अपनी जान की बाजी लगाकर जिसकी हिफाजत करनी पड़ती है। जरा से वक्त ढूंढ मुल्कों और कामों को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ देती है। 17वीं सदी का आगाज अकबर आजम दारे पानी से पूछ कर चुके थे और जहांगीर ने सल्तनत हिंद की बातों संभाली थी। गंगा जमनी तहजीब से रोशन मुगलिया सल्तनत का ये वो दौर था जब ताजिरों के भेस में समंदर के रास्ते आए पुर्तगाली, डच और अंग्रेज सरजमीन हिंद पर अपने नापाक कदम जमाने के लिए रास्ते तलाश रहे थे। कितना खूबसूरत मंजर है हमारे मालिक शहनशाह पर इसी झरोखे में खड़े होकर चाहते सूरज की इबादत किया करते थे। हमारी वालदा महारानी ज्वालाबाई से सीखी थी। अब्बा हुजूर की इसी दरिया दिली और दूरंदेशी ने मुगलिया सल्तनत को पायदार बनाया है और गंगा जमनी तहजीब को एक नए मकाम तक पहुंचाया है। पेचीदा से पेचीदा मसले को इतनी आसानी और सलाहियत से पेश करने की आपकी इस अदा के हम हमेशा से कायल रहे हैं बेगम। उधर भी देखिए हुजूर, आपकी रियाया आपके दीदार का बेसब्री से इंतजार कर रही है। शहंशाह आलम इंग्लिसानी काजियों के नुमाइंदे सर थॉमस रो और विलियम फिंच शर्फ वारियादी चाहते उन्हें एहतराम से हमारे हुजूर में पेश किया जाए। इस फिरंगी हकीम ने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसे भेजने के लिए हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। शहजादी की सेहत याबी की खुशी में हमारे हीरे जवाहरात हमारी गरीब रियाय में तकसीम किए जाए। जिन कैदियों ने अपनी सजा की आधी मियाद पूरी कर ली है उन्हें रिहा कर दिया जाए। थॉमस रो, शर्फ बारियाबी की इजाजत के लिए आपका शुक्रगुजार है। जापना शुक्रगुजार तो हम हैं थॉमस रो, आपने हमारी बेटी को नई जिंदगी दी है। यह हमारी खुशकिस्मती है जो मुझे आलम खाना के खिदमत करने का मौका मिला। लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि आप हकीकत में हैं कौन। नाचीज एक सौदागर है हुजूर, तिजारत की घर से आया हूँ। इंग्लैंड के बाशिंदे आपकी रियाया के साथ कारोबार करने ख्वाहिशमंद है। जरूर, हिंदुस्तान के ताजर हर कस्म की तिजारत के काबिल हैं। शुक्रिया हुजूर, बंदा इस मसले पर तफसील से बातचीत करने की इजाजत चाहता है। तफसील से तो हमारे मन का हाल करेंगे। शहंशाह हुजूर और हम आपके मशहूर हैं, आपकी मुराद जरूर पूरी की जाएगी। आप बयान करें। तो वैसे अंग्रेज व्यापारियों ने एक छोटी सी कंपनी कायम की है, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस सिलसिले में हम रुक क्यों गए? बिला खौफ खतर बयान करें। मालिका हुजूर, हम उसी मकसद के लिए सूरत के बंदरगाह पर एक फैक्ट्री कायम करने की इजाजत चाहते हैं। बस अच्छा, हम आपको तिजारत की इजाजत देते हैं। नूर जहां ने अंग्रेजों को तिजारत की इजाजत तो दे दी,
लेकिन उस वक्त वो नहीं जानती थी कि उस तारीखी लम्हे में उसने हिंदुस्तान की गुलामी का फरमान जारी कर दिया है। शहंशाह जहांगीर का इजाजतनामा पाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने तेजी से हिंदुस्तान की सरजमी पर अपने पांव जमाने शुरू कर दिए और सौदागर बनकर आई ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारी और सूबेदारी के सपने देखने लगी। हमारी कंपनी ने मुगल बादशाह से किसानों से लगान और माल भाड़े पर चुंगी वसूल करने के हक दे दिया है। हम तुम लोगों को 1 से 5 साल तक जमींदारी का काम किया, तुम्हारे गांव से हमें अभी तक लगान नहीं मिला। मैं लगान वसूल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इस बार सारी फसल बर्बाद हो गई, किसानों की हालत बहुत खराब है। हम कुछ नहीं चाहिए, तुम जबरदस्ती लगान वसूल करो, नहीं देता तो जमीन छीन लो। जी ये क्या कह रहे हैं जनाब, जमीन पर तो हमेशा से किसानों का अधिकार है, नवाब साहब भी किसानों का खेत जब्त नहीं कर सकते। जैसा हमने बोला वैसा करो, जमीन छीन लो। जी तुम नहीं कर ले सकता तो हम किसी और को जमींदार बना देगा। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तानी कारीगरों और काश्तकारों को लूटना शुरू किया और दूसरी तरफ अपने मुकाबले में खड़ी दूसरी कंपनियों से सीधी जंग छेड़ती। कर्नाटक और मद्रास में हुई लड़ाइयों में फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत गए। उधर बंगाल में भी अंग्रेजों ने अपनी जड़ें पूरी तरह जमा ली थी। चौकीदारों के नाम पर फौजें खड़ी कर ली गई, गोदामों के बहाने हथियारों से लैस किले तामीर कर लिए गए। अंग्रेजों की ये कारगुजारियां बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को बेहद नागवार हो सकी। नहीं हमें ये कतई मंजूर नहीं, हम नहीं चाहते कि फिरंगी कंपनी हमारी सरजमीन पर किले तामीर करे और फौज रखे। हम जानते हैं वो शाही इजाजतनामे के बारे में झूठ बोल रहे हैं। आखिर शहंशाह के नुमाइंदे हम हैं, सिराज-उद-दौला बंगाल के सूबेदार। हम कलकत्ते में कंपनी कोठियों और किलों पर हमला करेंगे, हम अंग्रेजों की गलत बयानी और जालसाजी का पर्दाफाश करेंगे, उनके नाजायज कब्जे खत्म कर देंगे। उन्होंने पारकाट और मद्रास में फ्रांसीसियों को शिकस्त दे दी तो क्या हुआ, हम सरजमीने बंगाल से उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज-उद-दौला के सिपहसालार मीर जाफर को गद्दी का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। सन 1757 में प्लासी में घमासान युद्ध हुआ। जी जान से मुकाबला करने के बावजूद बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला की हार हो गई। इन सेनानियों के अलावा अगले दौर में कित्तूर की रानी चिनम्मा, त्रावणकोर में बेरू थम्पी, संथाल परगना में आदिवासियों के सरदार तिलका मांझी और आनंद मठ के सन्यासियों जैसे बहुत से लोग लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी से जूझते रहे। लेकिन छोटे छोटे राजे रजवाड़ों और नवाबों की आपसी रंजिश का भरपूर फायदा अंग्रेजों ने उठाया और वे किसी न किसी बहाने से एक के बाद एक रियासत पर अपना अधिकार जमाते चले गए। इनमें से एक थी अवध की रियासत
और रियासतदार थे नवाब वाजिद अली शाह। सरकार का हुक्म से आपको कलकत्ता तशरीफ ले जाना पड़ेगा। इसी तरह नाना साहब पेशवा को पूना से बेदखल कर दिया गया था। इधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का निधन हो चुका था और अंग्रेज गिद्धों की तरह झांसी पर नजर गड़ाए झपटने की तैयारी कर रहे थे। फिरंगियों ने इतनी ही रियासतों को लावारिस घोषित करके उनका कब्जा जमा लिया है और मेरे जाने कितनों का कब्जा जमा। मेरे जीते जी वो झांसी पर